prove that cos x minus cos 3x upon sin square x minus cos square x. डिपेंड करता है कि ऊपर वाले को न्यूमरेटर को सिंपलीफाई करके अगर कोई ऐसा टर्म आ रहा है जिससे वो कट जाए तो उस पर देखेंगे पहले तब करेंगे, तो अभी डिनोमिनेटर को छेड़ देंगे। हां सर, न्यूमरेटर का टर्म बोला था sin x - sin 3x। अच्छा, cos x - cos 3x नहीं है तो क्या है? sin x - sin 3x। मैंने मेमोरी से गलत स्टार्ट कर दिया। ये लिखो इसको sin x - sin 3x। अब इसमें देखिए ये क्या हो जाएगा, जैसे ये साइन एक्स है, साइन एक्स को तो एज इट छोड़ दो, माइनस साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला होता है थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, अब ये साइन एक्स एज इज माइनस थ्री साइन एक्स माइनस माइनस प्लस का फोर साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन एक्स माइनस थ्री साइन एक्स क्या हो जाएगा? माइनस टू साइन एक्स प्लस फोर साइन क्यूब एक्स अपॉन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अभी तक भी समझ में नहीं आ रहा है करेंगे क्या इसे, एक काम करते हैं अपॉन ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से एक काम करते हैं कि यहाँ से टू साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं, प्रूफ भी वही करना है, टू साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं तो इधर क्या बचेगा माइनस वन और इधर क्या बचेगा टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करिए, टू साइन एक्स ऐसे ही निकाल रहे थे सर, ये हो गया सर। अब जैसे ये माइनस वन है ना तो माइनस तो ऐसे लिखो और जो ये वन है इस वन की जगह लिख दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। मैं माइनस वन का पहला टर्म तो माइनस ऐसे तो लिखा रहने दिया और जो ये वन है ना वन की जगह मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद देखिएगा अपॉन वाला जो है उसको अभी नहीं छेड़ते, ये एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स तो
टू साइन एक्स, और ब्रैकेट में ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस प्लस माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन साइन स्क्वायर एक्स क्या बचेगा, सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, बता दीजिए, समझ गए भाई, टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन साइन स्क्वायर एक्स क्या बचेगा, सिर्फ प्लस वन साइन स्क्वायर एक्स यानी कि साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया हमारे पास टू साइन एक्स टू साइन स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स था, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किया इज इक्वल टू टू साइन एक्स इज इक्वल टू आर एच एस। यही हमको प्रूव करना। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बता दें क्लियर है? यस सर। ठीक है, सोमेन, आयुष्मान, अक्षय, निलंका, ठीक है, ठीक है, कर दिया था ये पेपर, कर दिया था। अच्छा अच्छा, सर नीचे सर पहले तो न्यूमरेटर में वो वाली आई थी यूज करी साइन ए वाली साइन बी वाली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अच्छा साइन सी माइनस साइन डी लगा दिया होगा। ठीक है सर, डिनोमिनेटर को मैंने नेगेटिव टू कॉस कॉस टू एक्स लिया। अच्छा कॉस टू एक्स, फिर कॉस टू एक्स की आइडेंटिटी लगाई होगी, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर नीचे नेगेटिव कॉमन लिया होगा उससे वो कट गया होगा टू साइन एक्स बचा होगा। ठीक है, वो भी सही है। क्वेश्चन लिखेंगे फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन आपको थोड़े जाने पहचाने लगेंगे लेकिन करना अलग तरीके से, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो वैसे किया जा सकता है,
लेकिन मेरे को 15 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, ठीक। तो जो वो वाला तरीका था कि 90 के मल्टीपल्स करके हम निकाल सकते हैं, वो तो तरीका चलिए ठीक है, आप कर सकते हो, उस तरीके से भी कर सकते हो, कुछ और लॉजिक लगा कर भी कर सकते हो। कैसे मैं बताता हूँ अभी। जैसे मान लीजिए हमारे पास, हमने साइन 90 माइनस 15 कर दिया, साइन 90 माइनस 15। अब ये करने के बाद में प्रॉब्लम ये है कि मेरे को एंगल जो यहाँ पर 15 वाला दिखाई दे रहा है, वो 15 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन उसको निकाला जा सकता है। कैसे? 30 डिग्री की तो पता है, 30 डिग्री की तो पता है। तो हम ये जानते हैं कि 2 sin x cos x, ये साइन 2x के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर x की जगह 15 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 2 sin 15 degree cos 15 degree is equal to sin 2 into 15 degree, ठीक है। तो 2 into 15 degree कितना हो जाएगा, 30 degree, sin 30 degree 1/2 होता है, और यहाँ से sin 15 जो है, sin 15 और cos 15, sin 15 निकालना है, ये cos 15 और आ गया, परेशान करना है, इसको क्या करें, sin 15 is equal to x, इसको x मान लिया, वही cos 15 क्या होगा दोनों, √1 - sin² 15। ये आइडेंटिटी तो पता है, 10th क्लास वाली है, अच्छा। और sin 15 को मैंने x माना है, तो ये क्या हो गया, √1 - x² 2 into x into √1 - x² = 1/2, ठीक। तो अब आप ये देखो कि एक प्रॉब्लम भी पड़ गई आपके लिए बहुत ज़्यादा, हो तो जाएगा, कैसे होगा, कि आपको क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देनी है। स्क्वायरिंग करोगे तो ये x स्क्वायर बन जाएगा, है ना, और ये 1 - x² रह जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ऐसे इस 2 को ले जाओ उधर, स्क्वायरिंग करेंगे, ये x स्क्वायर हो गया, ये 1 - x² हो गया, 2 उधर चला गया, तो 1/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/16, ठीक है। ठीक है, शॉर्टकट मार रहा हूँ थोड़ा सा। अब देखिएगा जब इसको करेंगे तो ये हो गया मेरे पास x स्क्वायर, और ये क्या हो गया, -x^4, और ये -1/16 = 0। अभी x की पावर 4 जो है ना, या x स्क्वायर जो है उसको y मान लीजिए, अगर x स्क्वायर को y मान लिया तो y - y² - 1/16 = 0, तो y में क्वाड्रेटिक बन गई, ठीक है। पहले y निकालोगे, y निकालने के बाद फिर उसका स्क्वायर करोगे, है ना, बहुत लंबा प्रोसीजर है। अब हम क्या करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि जब हमारे पास बहुत बड़े बड़े एंगल्स आते हैं, ठीक है, तो तब तो वो तरीका लगा लेंगे, वो 19 into 1 या 19 into 2 into something, लेकिन जो ये है इसमें हम सोचेंगे कि हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं जो हमने लिखे हैं अभी तक, ठीक। तो देखिएगा ये आपके पास 75 है, तो सोच के देखो हमारे पास जो फॉर्मूले हैं, जो सॉरी एंगल्स हैं, वो 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree और 90 degree, ये एंगल्स हैं हमारे पास। क्या लिखूँ इसको, 45 + 30 लिख दो, या 30 + 45, वो लिख दीजिए। साइन 30 degree + 45 degrees, ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बता दीजिए, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी। कल पिछली बार का होमवर्क यही तो था, तुम पता नहीं, मैंने कई दिनों से देख रहा हूँ तुम बिल्कुल एकदम आलस में आते हो, होमवर्क करो बिल्कुल सीरियसली बाप, ठीक है, बताओ भी, और नहीं तो क्या, मतलब इधर तो तुम ही हो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, ठीक है। इन फॉर्मूले को 2-3 दिन तक कर लो सुबह सुबह यार, ठीक है, भूलोगे नहीं। तो देखिए साइन ए प्लस बी क्या हो गया, साइन ए cos b plus cos a sin b, sin a cos b plus cos a sin b। और ये ऑनलाइन वाले भी दर्शन देने शुरू करो भाई, बहुत दिन हो गए तुम्हें ऑनलाइन। चलिए तो sin 30 डिग्री कितना हो गया, 1/2, cos 45 डिग्री कितना हो गया, 1/2, plus cos 30 डिग्री कितना हो गया, 3/2, और sin 45 डिग्री कितना हो गया, 1/2 1 = 1/2 √2 + √3 / √2, ये क्या हो जाएगा, 1 + √3 / √2।
टू रूट टू, ठीक है। रैशनलाइज करना आप जानते हैं, कभी भी डिनोमिनेटर में रूट वाला टर्म नहीं छोड़ते, ठीक है। तो ये टू आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन ये रूट टू जो है ना ये नहीं आना चाहिए। तो आप क्या करिए, रूट टू से नीचे मल्टीप्लाई, रूट टू से ऊपर मल्टीप्लाई। तो ये हो गया हमारे पास रूट टू इंटू वन प्लस रूट थ्री, क्लियर है, ठीक। चलिए जी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है cos 5 पाई बाई 12, मैं छोड़ रहा हूँ cos 5 पाई बाई 12, अगेन क्या हो जाएगा cos 45, तो उसमें आप cos 30 प्लस 45 का फॉर्मूला लगा देंगे। तो cos a प्लस बी, cos a प्लस बी बताओ, sin a प्लस बी तो बड़ा क्लियर का बताया, मतलब प्यारा वाला ही याद करा था बस। चलिए हाँ भाई कृष्णा, cos a प्लस बी, वो तुमने cos c प्लस cos d का बता दिया मेरे को, cos a cos b माइनस sin a sin, ठीक है। तो इनको रट लो अच्छे से, इनको रट लो, रटने के अलावा इनका और कोई तरीका नहीं है। वो जो लॉजिक बताया था वो थोड़ा बहुत लॉजिक बिठा कर जिस बच्चे को जैसे दिमाग में बिठाना हो बिठा लो, ठीक है। चलिए ये बता रहा हूँ क्वेश्चन, तो मैं सेकंड पार्ट छोड़ रहा हूँ, सेकंड पार्ट सेम है इसका cos 5 पाई बाई 12, और होमवर्क की कोई कमी नहीं पड़ेगी, बहुत क्वेश्चन है इसमें। तो अगला देखते हैं, मैं थर्ड पार्ट करा रहा हूँ एग्जाम्पल का, सॉल्व एग्जाम्पल्स करा रहा हूँ मैं आर डी के। थर्ड है sin पाई बाई 12, sin पाई बाई 12, तो ये क्या हो गया sin पाई कितना 180 अपॉन 12, तो 115 था, तो ये साइन 15 डिग्री आ गया। अब साइन 15 डिग्री पे क्या करें, 45 माइनस 30, तो साइन ए माइनस बी क्या हो गया, साइन ए माइनस बी, साइन ए जैसे यहाँ पर था ना साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन, ठीक है। तो देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन 45 डिग्री कितना हो गया 1 अपॉन रूट टू, कॉस 30 डिग्री कितना हो गया रूट थ्री अपॉन टू, माइनस कॉस 45 हो गया 1 अपॉन रूट टू, और साइन 30 हो गया 1 अपॉन रूट टू। माइनस
पता है क्या है, ये दो चार बार लगता है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होते हैं, मिक्स होते हैं ये फॉर्मूले, लेकिन दो बार चार बार आप जब रिवाइज कर लोगे ना अच्छे से लर्न हो जाएगा। चलिए जी, तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, टेन सिक्सटी डिग्री कितना होता है थ्री, टेन फोर्टी फाइव वन माइनस, ये हो गया रूट थ्री और ये हो गया। तो भाई ये हमारे पास आ गया रूट थ्री प्लस वन अपॉन वन माइनस रूट थ्री। अब ये जो वन माइनस रूट थ्री है इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, वन प्लस रूट थ्री से नीचे मल्टीप्लाई और वन प्लस रूट थ्री से ऊपर मल्टीप्लाई। ऊपर तो हो गया वन प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर और नीचे हो गया ए माइनस बी टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे ऊपर वाले को एक्सपेंड करना है, कर दो चलो वन का स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी अपॉन वन का स्क्वायर इज वन, रूट थ्री का स्क्वायर इज थ्री, तो वन माइनस थ्री, तो वन और रूट थ्री का स्क्वायर हो गया थ्री, थ्री प्लस वन इज फोर, फोर प्लस टू रूट थ्री अपॉन वन माइनस थ्री इज माइनस थ्री, इधर से ले लिया टू का वन, तो टू प्लस रूट थ्री और अपॉन माइनस टू, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये रिजल्ट आ गया माइनस टू प्लस रूट थ्री। ठीक है, नहीं मालूम है ना कि अगर नेगेटिव साइन नीचे है तो उसको हम न्यूमरेटर में ला सकते हैं। ठीक है, ये आ गया माइनस और ब्रैकेट में टू प्लस, क्लियर है? ठीक है, चलिए जी अब मैं अगला देखता हूँ। अगला है टेन थर्टीन पाई बाई ट्वेल्व, इधर देखो सिक्स पार्ट है, टेन थर्टीन पाई बाई ट्वेल्व, टेन थर्टीन इंटू नाइनटी अपॉन ट्वेल्व, ट्वेल्व फिफ्टीन सा टेन मल्टीप्लाई कर दीजिए थर्टीन फाइव सा सिक्सटी फाइव उस पर आएगा वन नाइन्टी फाइव हो गया। बोलो इसका कैसे कैसे करा 195। अच्छा एक बात बताइए, जैसे ये हमारे पास 195 आ गया, तो 195 जो है ना इसमें ना सारे कॉम्बिनेशन लगाकर देख लूँ तो सीधा सीधा फॉर्मूला तो नहीं लग सकता। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे 90 का मल्टीपल वाला वो वाला फंडा लगा लेंगे। तो क्या करेंगे देखिए आप, ठीक है हां हां ठीक है, वहां पे देखिए टेन 90 इनटू 2 प्लस 15 डिग्री, ये बोलो समझ गए सर? यस ना, 180 प्लस 15 कर दिया। अच्छा 90 इनटू 2 में जब कुछ ऐड करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, हम भी टेन की बात कर रहे हैं, तो प्लस और ये इवन है, इवन का मतलब टेन का टाइम ही रहेगा और 15 डिग्री, तो कुल मिलाकर मुझे टेन 15 डिग्री करना है, तो टेन 15 डिग्री का मतलब हो गया टेन 45 डिग्री माइनस 30, 45 माइनस 30 करेंगे 15 आ जाएगा। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, टेन प्लस टेन ही टेन, ठीक है, अगर माइनस है इधर तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, टेन 45 वन होता है, टेन रूट थ्री होता है वन अपॉन रूट थ्री, टेन 30 डिग्री सॉरी वन अपॉन रूट थ्री, वन प्लस टेन 45 इज वन और टेन 30 इज वन अपॉन रूट थ्री। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री, न्यूमरेटर में हो जाएगा रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री, डिनोमिनेटर में रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री, रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में रूट थ्री, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में रूट थ्री, तो रूट थ्री से रूट थ्री कट गया, रिजल्ट क्या आ गया रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन। अब क्या करें, वही डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, न्यूमरेटर में कोई फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर को करना होगा रूट थ्री माइनस वन से नीचे मल्टीप्लाई और रूट थ्री माइनस वन से ऊपर मल्टीप्लाई, तो हो गया रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर
तो रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस टू वन रूट थ्री अपॉन टू, ये हो गया। हाँ जी, इसको एक्सपेंड करेंगे तो रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो गया, थ्री थ्री प्लस वन माइनस टू थ्री अपॉन टू। अब टू कॉमन ले लीजिए तो ऊपर क्या बचा, टू माइनस रूट थ्री अपॉन टू, दूसरे को देखना ये यार। ठीक है, बता दीजिए भाई और सभी को क्लियर है। यस सर। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 7 है। एग्जांपल 6 में बिल्कुल इसी के जैसे सारे हैं, टैन का यहाँ टैन दे दिया, उधर कॉस दे दिया, साइन दे दिया, तो वही सिंपल फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं। प्रूव दैट स्क्वायर
प्लस रूट थ्री सीधा लिखा, रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री। डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, ए माइनस बी टू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का टू रूट थ्री माइनस का टू रूट थ्री कैंसिल आउट हो गया, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, थ्री प्लस वन फोर, अगेन थ्री, अगेन वन, थ्री प्लस वन फोर प्लस फोर एट, एट हो गया, थ्री रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, वन का स्क्वायर वन, थ्री माइनस वन इज टू टू, फोर जा एट इज इक्वल टू फोर इज इक्वल टू आर एच एस, यही हमको प्रूव करना है। ठीक है जी, चले आगे। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बताएं, सोमेन, आयुष्मान, अक्षय। यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर एट, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी दे रखा है, तो उल्टा 7 पाई बाई 12 माइनस पाई बाई 5 बस ये करना। ठीक है, करिए, बस मुझे एक मिनट का टाइम दीजिए, अभी आ अभी कर दिया सर। ठीक है, ठीक है, कर दिया। ये हो जाएगा सीधा सीधा साइन ए माइनस बी, यानी कि
27 pi by 12 minus pi by 4 sin a minus b. अब 12 और 4 का एलसीएम 12 ये सब निकल गया क्या? हां एलसीएम निकाल मैंने तो 7 का रूट कर लिया 7 पर चलिए कर देते हैं कर देते हैं इस तरह से 4 के जगह पर 3 की पाई है 3 पाई तो sin 4 पाई बाय 12 ये 4 बचा 4 की जगह तो पाई बाय 3 आ गया यस सर पाई बाय 3 का मतलब 180 / 3 360 जा, तो sin 60 कितना होता है? root 3 पर, ठीक है? चलिए जी, इसके बाद इसका second part है, sin pi by 4 sin pi by 4 into cos pi by 12 plus cos pi by 4 sin pi by 12 इसकी वैल्यू निकाल लेंगे कौन सा लगा दूं फार्मूला sin a plus b बताओ बताओ sin plus b sin a plus b कैसे लगा sin a cos b plus cos a sin a ठीक है तो sin a plus b a क्या है pi by 4 b क्या है pi by 12 ठीक है अब ये हो जाएगा sin pi by 4 plus pi by 12 sin a plus b ठीक है अच्छा 4 और 12 का एलसीएम आ गया 12 और 3 का 12 3 सर वो ये 3 1 और 2 डिवाइड हो जाए ठीक है 1 2 और 3 सर और 3 और 5 3 का ठीक है 4 पाई बाय 12 बन गया 2 हो जा 2 3 सर पाई बाय 3 180 / 3 सीधा लिख दो 60 यस सर sin 60 डिग्री इज इक्वल टू 3 बाय 2 आगे चलेंगे cos 2 pi by 3 थर्ड पार्ट है
अब क्या करें, 45 माइनस 30, 45 माइनस 30 के लिए माइनस को तो बाहर रखो, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा लीजिए, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी प्लस साइन बी इज इक्वल टू माइनस कॉस 45 होता है ऊपर माइनस कॉस रूट टू, कॉस 30 डिग्री होता है रूट थ्री बाई टू, साइन 45 वन अपॉन रूट टू और साइन 30 वन अपॉन टू, वन माइनस रूट थ्री बाय टू, ये आ गया रूट थ्री और ये कॉस वन अपॉन टू रूट टू, या तो ये कर दो और अगर रैशनलाइज करना चाहते हो माइनस रूट थ्री प्लस वन इंटू रूट टू और अपॉन में फोर, ठीक है। हमने क्या करा है, इन्होंने आंसर में बस यही दे रखा है माइनस का, सिर्फ इतना ही दे रखा है इन्होंने रैशनलाइज नहीं, तो ऐसे भी कर दोगे तो भी चलेगा, रैशनलाइज करेंगे तो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान देना जरा इसमें, आगे के दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 और 10। तो इसको सीधा आप लिख सकते हैं, तो बता देता हूँ
नहीं तो सीधा साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं ये हो गया। ऐसे ही अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं that sin n plus 1 into a sin n plus 1 into a into sin n plus 2 into a sin n plus 2 into a plus cos n plus 1 into a इधर आएगा कि लंबा एक्सप्रेशन इधर देखो प्लस कॉस एन प्लस वन इंटू ए इंटू कॉस एन प्लस टू इंटू ए इज इक्वल टू आपको प्रूव करना है कॉस ए ये कॉस ए के बराबर है। बता दो ना कौन सी आइडेंटिटी लगेगी कौन सा फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी। तो कई बार क्या होता है ना कि वो उल्टा करके भी दे देते हैं उसको। यहाँ साइन ए साइन बी है और कॉस ए कॉस बी है। हमें फॉर्मूला क्या याद है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी ये पता है तो इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो कोई बात नहीं। हम ये बोलेंगे इसको ऐसे लिखिए कॉस एन प्लस वन इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस एन प्लस टू इंटू ए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन एन प्लस वन इंटू ए इंटू साइन एन प्लस टू इंटू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी का हो गया था कॉस ए माइनस बी एक्सपेंड करेंगे तो एन ए प्लस ए माइनस एन ए माइनस टू इंटू ए माइनस टू ए प्लस एन ए माइनस एन ए कैंसिल आउट हो गया ए माइनस टू ए माइनस ए कॉस माइनस ए कॉस का हम जानते हैं कि कॉस के अंदर जो नेगेटिव साइन है वो अंदर ही खत्म हो जाता है अंदर ही कंज्यूम हो जाता है इक्वल टू कॉस ए इज इक्वल टू आर एच एस यही सही है जी। एक और नोट करिए एग्जाम्पल नंबर 11 इज दैट फर्स्ट पार्ट है कॉस 5 बाई 4 प्लस एक्स कॉस 5 बाई 4 प्लस एक्स प्लस कॉस 5 बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट टू कॉस एक्स रूट टू कॉस एक्स जब बता दूं फॉर्मूला कौन सा है कॉस सी प्लस कॉस सी कौन सा कॉस सी कॉस सी प्लस कॉस सी ठीक है तो ये वाला हो गया मैंने सुन लिया था तुम्हारा मैंने कहा जरा इसका सुन लो नहीं अटक रहा ठीक है कॉस सी प्लस कॉस डी cos c plus cos d का फॉर्मूला बता दो क्या होता है सर cos c plus cos d sin c plus d बेटा sin c plus d राइट सर बराबर तो cos c plus cos d फॉर्मूला से ही आइडेंटिफाई करा होता क्या होता है सर ये तो होता है सर sin cos d का नहीं रे और sin होता है sin cos देखिए cos c plus cos d जब भी आएगा तो दोनों जगह cos आएगा जब cos c माइनस cos d आएगा तो दोनों जगह साइन आएगा लेकिन एक माइनस साइन पहले लिखा जाएगा माइनस माइनस ठीक है तो cos c plus cos d में क्या हुआ 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 ठीक
तो c मेरे लिए क्या है पाई बाय 4 प्लस x और d मेरे लिए क्या है पाई बाय 4 माइनस x लेफ्ट हैंड साइड 2 cos c प्लस b बाय 2 2 cos c प्लस d बाय 2 ये भी एनसीआरटी है हां ये भी cos c माइनस d बाय 2 यानी कि पाई बाय 4 प्लस x और जब माइनस करेंगे तो माइनस पाई बाय 4 और माइनस माइनस प्लस x ठीक है तो माइनस पाई बाय 4 प्लस x अपॉन 2 2 cos c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2 ये हो प्लस x माइनस x कैंसिल आउट प्लस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 कैंसिल आउट is equal to 2 cos pi by 4 plus pi by 4 is pi by 2 or upon maybe 2 ऊपर तो rational number मिल रहा है pi by 2 नीचे सिर्फ 2 मिल रहा है तो इसको rational बना लो 2 upon 1 और फिर हम जानते हैं सबसे ऊपर वाला number सबसे नीचे वाले से multiply होकर numerator में आ जाता है और बीच वाले number आपस में multiply होकर denominator में आ जाता है हाँ जी x plus x 2x cos 2x by 2 cos 2x by 2 चलिए ये दो से कर दिया ठीक है उसके बाद ये हो गया 2 cos pi और 2 2 जा 4 2 cos pi by 4 into 2 से कर दिया क्या बचा cos x cos pi by 4 is इधर कर रहा हूँ ये जो 2 है ना इस 2 को मैं लिखूंगा इस 2 को मैं लिखूंगा रूट 2 इंटू रूट 2 और cos pi by 4 क्या होता है 1 अपॉन रूट 2 और मल्टीप्लाई बाय cos x है रूट 2 से रूट 2 कर दिया तो रूट 2 cos x ठीक है जी चलिए जी तो आज इतना ही करिए होमवर्क भेजूंगा बिल्कुल किसी से मिलते जुलते क्वेश्चन जो हमने आज करे वो करके लाएंगे नंबर भी ऐड करूंगा